आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार की जयराम सरकार ने केंद्र से करोड़ों रुपए की परियोजनाएं लाने में सफल रही है। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मंडी से मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक साल में करोड़ों की परियोजनाएं मंजूर करवा कर खुद को साबित कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री एक साल की अल्प अवधि में इतनी परियोजनाएं केंद्र से मंजूर नहीं करवा पाया है जितनी जयराम ठाकुर ने करवाई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए 1892 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिली है, जबकि वर्षा जल संग्रहण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है पर 4751 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में 31 दिसंबर 2018 को बाढ़ नियंत्रण पर 4893 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे प्रदेश के सभी 12 जिलों की नदियों, खड्डों और नदी नालों का तटीकरण होगा। इस 3 चरण की परियोजना के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 3100 करोड़ रुपए की राशि पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मनाली पलचान में मंडी के ओट तक तटीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि सुकेती खड्ड के तटीकरण पर 415 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार को विरासत में कुछ नहीं मिला है, इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले तक आईपीएच महकमे में पाइपों की खरीद नहीं की गई थी, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं पहुंचाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब प्रदेश में पाइपों की कमी नहीं है। आने वाले सूखे से निपटने के लिए आईपीएच महकमा तैयार है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कई स्थानों पर बेवजह ही टीसीपी एक्ट लागू किया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूर्व सरकार के समय लिए गए फैसले हैं, ये मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में भी है, इस पर सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। कांग्रेस की चार्जशीट पर टिप्पणी करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि उसमें लिखा गया है कि आईपीएच महकमे में 2322 लोग चोर दरवाजे से रखे जा रहे हैं, जबकि हकीकत में एक भी व्यक्ति रखा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम कोई साधु महात्मा नहीं हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर विधायक कर्नल इंदर सिंह गांधी और जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। एक वर्ष की कार्यजारी को देख मूल्यांकन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 27 दिसंबर 2018 को जहां लाभार्थियों को अपना आशीर्वचन दिया, वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जो एक वर्ष में काम किए हैं उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को हर योजना बार जो है मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई है, सरकार की प्रशंसा की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी अनेकों योजनाएं जो है इस एक वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से आई है। अभी जो 4 साल का बाकी कार्यकाल हमारे पास बचा है, इस 4 साल के कार्यकाल के बीच में उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और नई योजनाएं भी हमारी ऐसी बहुत प्रस्तावित हैं जो कि भारत सरकार को अब भेजनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो योजनाएं भी भारत सरकार से स्वीकृत होकर के आएंगी और हम एक नए हिमाचल प्रदेश के निर्माण में जहां लगे हैं वहां मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आने वाले लंबे समय तक इस प्रदेश का नेतृत्व करते रहेंगे। विशेष करके कांग्रेस पार्टी के जो इन सारी योजनाओं को देख करके अब बुखलाए हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी 27 दिसंबर 2018 को हमारी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जितने लाभार्थी भारत सरकार द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष में
उनसे मिलने का, उनको अपना आशीर्वचन देने का और सरकार के की कारगुजारी को देखने के लिए जो आए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हजारों लाभार्थियों के सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपा करके गए। शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी पीठ जो है वो आज तक किसी मुख्यमंत्री की थपथपाई हो। फिर कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि जो रैली की गई, जो लाभार्थियों का है, उसमें धन का दुरुपयोग हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, हमारी रैली में तो, हमारे कार्यक्रम में तो, जो सरकारी कार्यक्रम था उसमें तो देश के प्रधानमंत्री आए थे, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2017 में जब एक ऐसा ही सरकारी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने किया था, उस वक्त राहुल गांधी किस हैसियत से आए थे? वो किस संवैधानिक पद पर नहीं थे, वो कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं थे या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, और उस वक्त बसों के किराए के रूप में ही 75 लाख रुपए की जो देनदारियां हैं, जब हमारी सरकार बनी तो उन देनदारियों को हमने चुकता।